नमस्कार दोस्तों, कस्तूरबा गांधी जन्म 11 अप्रैल 1869, स्वर्गवास 22 फरवरी 1944, कार्य स्वतंत्रता सेनानी। अगर हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते तो हमारे मस्तिष्क में अनेकों महिलाओं का नाम प्रतिबिंबित होता है, पर वो महिला जिनका नाम ही स्वतंत्रता का पर्याय बन गया है वह है कस्तूरबा गांधी। बा के नाम से विख्यात कस्तूरबा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। निरक्षर होने के बावजूद कस्तूरबा के अंदर अच्छे बुरे को पहचानने का विवेक था। उन्होंने ताउम्र बुराई का डटकर सामना किया और कई मौके पर तो गांधी जी को चेतावनी देने से भी नहीं चूकी। जो लोग मेरे और बा के निकट संपर्क में आए हैं उनमें अधिक संख्या तो ऐसे लोग हैं जो मेरी अपेक्षा बा पर कई गुना अधिक श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने पति और देश के लिए व्यतीत कर दिया। इस प्रकार देश की आज़ादी और सामाजिक उत्थान में कस्तूरबा गांधी ने बहुमूल्य योगदान दिया। इनका प्रारंभिक जीवन इस प्रकार रहा। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल सन 1869 में कटियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। कस्तूरबा के पिता गोकुलदास मकनजी एक साधारण व्यापारी थे और कस्तूरबा उनकी तीसरी संतान थी। उस जमाने में ज़्यादातर लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं थे और विवाह भी छोटी उम्र में ही कर देते थे। कस्तूरबा के पिता महात्मा गांधी के पिता के करीबी मित्र थे और दोनों मित्रों ने अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने का निर्णय कर लिया था। कस्तूरबा बचपन में निरक्षर थी और मात्र 7 साल की अवस्था में उनकी सगाई 6 साल के मोहनदास के साथ कर दी गई और 13 साल की छोटी उम्र में उन दोनों का विवाह हो गया। कस्तूरबा का शुरुआती गृहस्थ जीवन बहुत ही कठिन था। उनके पति मोहनदास करमचंद गांधी उनकी निरक्षरता से अप्रसन्न रहते थे और उन्हें ताने देते रहते थे। मोहनदास को कस्तूरबा का समझना, सवरना और घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने बा पर आरंभ से ही अंकुश रखने का प्रयास किया पर ज्यादा सफल नहीं हो पाए। गांधी जी के साथ जीवन। विवाह पश्चात पति पत्नी सन 1888 तक लगभग साथ ही रहे, परंतु मोहनदास के इंग्लैंड प्रवास के बाद वे अकेले ही रही। मोहनदास के अनुपस्थिति में उन्होंने अपने बच्चे हरिलाल का पालन पोषण किया। शिक्षा समाप्त करने के बाद गांधी इंग्लैंड से लौट आए पर शीघ्र ही उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। इसके पश्चात मोहनदास सन 1896 में भारत आए और तब कस्तूरबा को अपने साथ ले गए। दक्षिण अफ्रीका जाने से लेकर अपनी मृत्यु तक बा महात्मा गांधी का अनुसरण करती रही। उन्होंने अपने जीवन को गांधी की तरह ही सादा और साधारण बना लिया था। वे गांधी के सभी कार्यों में सदैव उनके साथ रही। बापू ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक उपवास रखे और इन उपवासों में भी वे अक्सर उनके साथ रही और देखभाल करती रही। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गांधी जी का बखूबी साथ दिया। वहां पर भारतीयों की दशा के विरोध में जब वे आंदोलन में शामिल हुई तब उन्हें गिरफ्तार कर 3 महीने की कड़ी सजा के साथ जेल में भेज दिया गया। जेल में मिला भोजन अखाद्य था, अतः उन्होंने फलाहार करने का निश्चय किया, पर अधिकारियों द्वारा उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिए जाने पर उन्होंने उपवास किया, जिसके पश्चात अधिकारियों को झुकना पड़ा। सन 1915 में कस्तूरबा भी
महात्मा गांधी के साथ भारत लौट आई, हर कदम पर और उनका साथ दिया। कई बार जब गांधी जी जेल गए तब उन्होंने उनका साथ दिया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान भी वे गांधी जी के साथ वहां गई और लोगों के सफाई, अनुशासन, पढ़ाई आदि के महत्व के बारे में बताया। इसी दौरान वे गांवों में घूमकर दवा वितरण करती रही। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान भी वह घूम घूमकर स्त्रियों का उत्साहवर्धन करती रही। सन 1922 में गांधी के गिरफ्तारी के पश्चात उन्होंने बिना गरांव जैसा वक्तव्य दिया और इस गिरफ्तारी के विरोध में विदेशी कपड़ों के परित्याग का आह्वान किया। उन्होंने गांधी जी का संदेश प्रसारित करने के लिए गुजरात के गांव का दौरा भी किया। 1930 में दांडी और धरासना के बाद जब बापू जेल चले गए तब बा ने उनका स्थान लिया और लोगों का मनोबल बढ़ाती रही। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 1932 से 1933 में उनका अधिकांश समय जेल में ही बीता। सन 1939 में उन्होंने राजकोट रियासत के राजा के विरोध में भी सत्याग्रह में भाग लिया। वहां के शासक ठाकुर साहब ने प्रजा को कुछ अधिकार देना स्वीकार किया था, परंतु बाद में वे अपने वादे से मुकर गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने बापू समेत कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया। इसके पश्चात बा ने मुंबई के शिवाजी पार्क में भाषण करने का निश्चय किया, किंतु वहां पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुणे के आगा खां महल में भेजा दिया गया। सरकार ने महात्मा गांधी को भी यही रखा था। उस समय वे अस्वस्थ थी। गिरफ्तारी के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया और कभी भी संतोषजनक रूप से नहीं सुधरा। जनवरी 1944 में उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा। उनके निवेदन पर सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टर का प्रावधान भी कर दिया और कुछ समय के लिए उन्हें थोड़ा आराम भी मिला, पर 22 फरवरी 1944 को उन्हें एक बार फिर भयंकर दिल का दौरा पड़ा और बा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, ये थी बा के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता। नमस्कार दोस्तों।